बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादिन। तुर्की में जुमे की रात होने वाली नाकाम बगावत के बाद अब ऑपरेशन क्लीनअप जारी है, जिसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सारे वाक़े में 290 से ज़ायद हलाकतें भी हो चुकी हैं। जुमे के रोज़ फ़ौज के एक बागी ग्रुप ने इक्तदार पर कब्ज़े की नाकाम कोशिश की, जिसको तुर्क अवाम ने नाकाम बना दिया। नादिन, इस सारे वाक़े के बाद हमें एक चीज़ तो सामने आती है कि अगर जमहूरी निज़ाम या जमहूरी तर्ज हुकूमत सही सिमत में जा रही हो तो कोई फ़ौज का बागी ग्रुप जमहूरियत को डीरेल नहीं कर सकता। इस वाक़े के बाद आलमी मंजरनामा बहुत तब्दील हो रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान में एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। आलमी मंजरनामे और पाकिस्तान की सूरत हाल के पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जावेद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम नून के रहनुमा जान अचकज़ई साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर सलमान गनी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बात का आगाज़ जनरल साहब से करूँगा। जनरल साहब, पहले तो ये बताइए कि सारे वाक़े को कैसा देखते हैं आप, उसके बाद आलमी मंजरनामा भी है और पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हुई है, लेकिन इस सारे वाक़े को जो जुमे के रोज़ हुआ कैसा देखते हैं इसको? इशू ये है कि ये बगावत तुर्क अफवाज के जो सुपीरियर कमांड की नहीं थी। बिल्कुल सही। तो आप पहला नतीजा तो ये इसमें अखज करें कि अगर सुपीरियर कमांड किसी मुल्क की भी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हम आहंग है, तो जो फ्रिंज है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोई भी हो, इट इज रिबल्स हैं जो भी बागी हैं, राइट, इट इज बाउंड टू फेल। बिल्कुल ठीक है। एक तो बेसिक एरर ये है एनालिसिस में। दूसरी बेसिक एरर एक और है कि मैंने वेस्टर्न मीडिया को बहुत सुना, उन्होंने कहा जी ये जो सेकुलरिस्ट हैं, कमालिस्ट हैं, वो उर्दवान की इस्लामिस्ट पॉलिसी से एग्री नहीं करते और दे ट्राई टू स्टेज अ कू। बिल्कुल ठीक है। टू रिकूप देयर पोजिशन, आई डिसएग्री टोटली। अच्छा, ये फैक्शन बेसिकली भी इस्लामिस्ट है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फतोला गोलन हु हैपन्स टू बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, could be a CIA connection also, because CIA has their fingers in every issue, they are world managers, they are bound to be part of either this side or that side or both sides, they could play on both sides. So ye ek fringe jo hai group hai which is not Kemalist or secular, it is Islamist. To ye division jo hai ye within the Turkish society hai. Wajah kya hai, main kis tarah, how do I prove it? अगर सिर्फ फौज होती तो फिर जजेस ना पकड़े जाते, फिर मीडिया हाउसेस को कंट्रोल ना किया जाता, जमान अखबार को बंद ना किया जाता। बिल्कुल ठीक। फिर अभी आप देखें, 2-3 साल से उर्दवान ने एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च की है गोलन के अगेंस्ट, बिकॉज ही टेक्स गोलन्स मूवमेंट एज अ राइवल। इस सारे वाक्य के बाद जो इल्जाम का सिलसिला शुरू हुआ है गोलन पर, वो उसको अपना मध्य मुकाबल समझता है, बिकॉज दोनों का क्रीड एक है। जब आप कमालिस से लड़ेंगे तो दे आर डिफरेंट फोर्सेस के, इस्लामिस्ट वर्सेस कमालिस, बट वंस यू आर इट्स इन फाइटिंग। तो अभी आप ये देखेंगे, अगली बात जो मैं एक मुख्तसर करना चाहता हूं, अभी इम्तहान शुरू हुआ है इरदवान का, ही हैज वन द फर्स्ट राउंड, बट ही मे लूज द सेकेंड राउंड, बिकॉज अगर वो अग्रेसिव होकर प्रोसिक्यूशन मोड में चले जाते हैं, 6000 तो फौजी पकड़ लिए, बिल्कुल ठीक, 2-3 हजार जज बर्खास्त कर दिए, 5-10 हजार और कर दिए, ये बड़ा लार्ज नंबर है, ठीक है, और इसका ऊपर रिएक्शन होगा। बिल्कुल सलमान गनी साहब, एक तो सारी सूरत हाल को कैसा देखते हैं, और जैसा जनरल साहब ने कहा कि पहला राउंड उर्दवान जीत गए, दूसरा जो राउंड है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी ऐसा ही समझते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? जनरल साहब ने जो बात की है, मैं एक छोटा सा उनसे इख्तलाफ करूँगा कि जब वो फतेहउल्लाह गोलन की बात कर रहे हैं तो एक वक्त में ये एक ही थे, बिल्कुल इकट्ठे थे, और लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फतेहउल्लाह गोलन जो उनका ये ग्रेट गेम का हिस्सा है, इसलिए कि अर्दवान साहब की हुकूमत के हवाले से रिजर्वेशन है बाज आलमी फोर्सेस की, अमेरिका की रिजर्वेशन है, इसलिए कि वो क्लियर कट स्टांस लेता है। जब ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, जब उसको अवाम की तायद और हमायत हासिल होती है तो एक एतमाद होता है, बिल्कुल ठीक है, और वो उसी एतमाद की बुनियाद पर फैसले कर रहा होता है। कि आप देख लें कि फ़लस्तीन के इशू पर, शाम के इशू पर, सऊदी अरब के हवाले से, और बहुत सारे इश्यूज पे, बल्कि आपको याद हो अभी कल की बात है, ये बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी फौज का साथ देने के जुर्म में मुतीउर रहमान निजामी को फांसी लगा दी गई, तो कौन सा मुल्क था जिसने अपना सफीर वापस बुलाया? अर्दवान, उसका फैसला था। अब बात यह है कि
वो किसकी आंख में खटक रहा है और क्यों खटक रहा है। अगर आज तुर्की के अंदर जिस तरह लोग निकले हैं वो डेमोक्रेसी के लिए निकले हैं, इसलिए वहां पर डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें कि जब डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही होती है, ये जो साजिश और बगावत होती है ना, ये वहां पनपती है जहां पर गैप आता है, जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप में और लोगों के दरमियान गैप आता है, तो वहां पर ये पनपती है साजिश। और नाकाम क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि वो शख्स जब उसने पहला पांव बाहर निकाला था ना, तो साजिश और बगावत खत्म हो गई थी। ये होती है पॉलिटिकल लीडर, वो बाहर निकला है, कौम साथ बाहर निकली है। आज जब आप पाकिस्तान के सिनारियों में ये चीजें देखेंगे तो बहुत सारे सवालात खड़े होंगे। सर ये बात फिर मान लीजिए कि वहां तुर्क अवाम जो है वो जमहूरियत बचाने निकली है, हुकूमत बचाने नहीं। जमहूरियत के सम्राट जैन उन्हें मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। असल के जमहूरियत क्या है? जवाबदेही का अमल है, एहतसाब है, गवर्नेंस है, लोगों के इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात इंसाफ है कि बाजे ये चीजें जब लोगों को, डेमोक्रेसी इस चीज का नाम है, डेमोक्रेसी इस चीज का नाम नहीं है कि खानदानी तसल्लुत हो, गवर्नेंस की बजाय बद इंतजामी का दौर दौरा हो, एहतसाब का शिकंजा कोई कसने के लिए तैयार ना हो। बिल्कुल सही। ये डेमोक्रेसी नहीं होती, यही जमहूरियत। जाना चाहिए साहब, जुम्मे के रोज के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस का आगाज हुआ है। पाकिस्तान में लोग ऐसे ही खुशियां मना रहे हैं जैसे शायद यहाँ सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो। पाकिस्तान में लोग क्यों खुशियां मना रहे हैं? क्यों ऐसा, क्यों सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा? मेरे ख्याल में एक तजर्बा फिर री इन्फोर्स हो गया है, वो ये कि फौजी कुदेता या कूज जो है वो लोगों के मसाइल का हल नहीं है। बेशक जमहूरियत जो है तुर्की में भी, जिसको हम रोल मॉडल समझते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया है, मगरब के लिए वो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अगर आप ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट पे यकीन रखते हैं तो ग्रोथ रेट उनकी 4% हो गई है, उनकी GDP जो डेट रेशो है वो 51 और 55 के सामने नहीं है। सप्रेशन है लोगों की, आजादी राय पे पाबंदी है। और फिर जो जमहूरियत में आप पार्लियामेंट में बैठ के मुख्तलिफ कम्युनिटीज के और लोगों के जो उनके इंटरेस्ट एग्रीगेट करते हैं, वो सिस्टम असल में सिर्फ इस इंतखाबी सिस्टम में है। अगर आप फौज को लाते हैं, कू करते हैं, तो इसमें जो है फिर वो सिस्टम नहीं रहता। तो लोगों ने बेशक ये सही कहा है उस्मान गनी साहब ने कि जमहूरियत के लिए निकले, क्योंकि अल्टरनेटिव तजर्बा उनका रहा है। 4 दफा वहां पे कू हुए हैं, ये 5वीं दफा होना था, लेकिन लोग निकल आए। मैं ये नहीं समझता कि वो अर्दोगान के लिए निकल आए, क्योंकि अगर आप 3 हिस्सों को आप निकाले, एक हिस्सा अर्दोगान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो है उनके मुखालिफिन है, चाहे वो सेकुलरिस्ट हैं चाहे लिबरल हैं, और उन्होंने सबने पार्लियामेंट में ये कहा कि खून नहीं होना चाहिए और ये सिस्टम जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम पे हमारे लिए मॉडल है। लेकिन मगरब आज भी इतराज़ है कि ये सबसे जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है अर्दोगान की। लेकिन हमें जो चीज़ सबक सीखनी है वो ये कि जो खू का तजर्बा है हमारी हिस्ट्री में भी, मिस्र की हिस्ट्री में भी और तुर्की की हिस्ट्री में भी, वो नाकाम हो गया है। हमने बेहतर जमहूरियत की तरफ जाना है, लेकिन फ्लॉड डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी आइडियल खू। जन साहब, सलमान गनी साहब ने भी कहा कि ये ग्रेट गेम का हिस्सा है, चूंकि इल्ज़ामात भी हम देख रहे हैं। उर्दवान साहब ने कहा कि अमेरिका जो है वो इस साजिश के पीछे, अमेरिका ने गो के तरदीद की, बैन अल-अक़वामी साजिश लग रही है आपको या ग्रेट गेम कोई ऐसी है? जी, ग्रेट गेम का जो इशू है ना, उसमें बड़ी इसकी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। तुर्की का एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है और एक क्रूसेड स्पिरिट है, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का एक था, 700 साल की खिलाफत थी, आधे यूरोप को रूल किया उन्होंने, दे हैव नॉट बिन फॉरगिवन बाय यूरोपियंस, जर्मन्स हैव अ स्पेशल हेट्रेड फॉर देम, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे हैड कोऑपरेटेड, फ्रांस अगेन एक उसके अंदर एक बहुत तासुब है, रशियंस ने 150-200 साल लड़ाइयाँ लड़ी हैं इनके साथ, इवन UK इज अनफॉरगिविंग। Look at the Boris Johnson, look at his remarks on Turkey, recent remarks, वो वज़ीर ख़ारिजा है। Americans are playing, as I said earlier, दोनों साइडों पर खेल रहे हैं। उनको तुर्की की ज़रूरत है नेटो के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तुर्की ब्लॉक करता है रशिया की एंट्री इन टू दी ओशंस। बिल्कुल ठीक है। डार्डनल्स एंड बॉस्फोरस की वजह से। तुर्की की एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज हैं, दे आर द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्म फोर्सेज ऑफ नेटो। सो इसको एक बाजुए शमशीर जन के तौर पे संभाल किया जा रहा है। और तुर्कश पीपल बेसिकली आर फाइटर्स, बड़ी बाहमियत कौम है, बहुत अपनी नेशनलिटी में, नेशनलिज्म में बिलीव करती है। वो तो जुमे के रात को भी एक मंजरनामा हमने देखा ना, कि जिस तरह लोग बाहर निकले और टैंकों के आगे लेट गए। हम कहते हैं ना, यहाँ बात डिसिप्लिन की करें, कहता अच्छा फौज है ना,
डिसिप्लिन इज, जिस जमहूरियत में डिसिप्लिन नहीं है, जिस सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं है, वो सोसाइटी आगे जा ही नहीं सकती। अगर आप डिविसिव रहेंगे, छह बंदे इकट्ठे होकर छह जुबानें बोल रहे होंगे, यू कांट मूव फॉरवर्ड, यू कांट से जमहूरियत का हुसन है, बातें करते जाओ, इख्तलाफात रखते जाओ, तो आगे कहां ना जाओ, आगे कहीं ना जाओ। बिल्कुल ठीक है। सो वहां पे इट्स अ डिसिप्लिन सोसाइटी। टर्किश लोग आपने देखा है इमोशनल भी हैं और थोड़े से हिस्टोरिकल भी हैं। बिल्कुल, आपने इमेजेस देखे वहां। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो पकड़ने लगते हैं तो उन्होंने अपने बंदों को भी जैसे शुरू कर दिया, थोड़ा सा एक स्ट्रीक है। तो इसलिए यूरोपियन जो हैं उनका बेसिकली दे डोंट वांट टर्की टू एंटर इनटू द ईयू। बिल्कुल ठीक है। मुझे सलमान गनी साहब ये जानना है कि इल्जामात की क्या हकीकत है। उर्दवान साहब फतहउल्लाह गोलन पर इल्जामात लगा रहे हैं। फतहउल्लाह गोलन ने भी बड़ा एक संगीन इल्जाम लगाया कि इस तमाम बगावत के पीछे उर्दवान का हाथ है। इसका जवाब मैं जो है वो ब्रेक के बाद आपसे जानूंगा। नज़र यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। बिलशामदीद सलमान गनी साहब, दोनों जानब से इल्जाम लग रहे हैं। फतहउल्लाह गोलन पर तो उसी राह से इल्जाम लगना शुरू हुए, लेकिन अब फतहउल्लाह गोलन साहब भी ये कह रहे हैं कि उर्दवान हुकूमत का इस बगावत के पीछे हाथ है। ये दोनों जानब से इल्जाम को आप कैसा देखते हैं? देखें जैन, पहले तो जो बात अमरीका के हवाले से हुई कि अमरीका कहता है कि वो इसमें शरीक नहीं है, जो अगर आप जिस रात का जिक्र कर रहे हैं उसी रात आप अमरीका का बयान भी देखें और पाकिस्तान का एक एलिमेंट भी उसमें खुशी में, बल्कि एक इंग्लिश अखबार ने लीड लगा दी कि उर्द गॉन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो बात आपने किया, ये बात किसी हद तक देखें, जब हम इसका तजिया करते हैं तो अर्दगान बहुत पावरफुल हुआ है और ये इस सारे अमल, इस सारे वाकये के बाद आप देख रहे पिछले एक अरसे से। बिल्कुल ठीक है कि उसको जो मेजोरिटी मिली और उसे एक मखलूत गवर्नमेंट बनानी मिली, आप जरा उसके एतमाद का अंदाजा लगाए और पाकिस्तानी सिनारियो में देखें, वो उसे फिर अवाम से रजू किया। बिल्कुल ठीक है, उसने दोबारा अवाम से रजू किया और उसे एक सीयत मिल गई। अब फतेहउल्लाह गोलन साहब और उनमें फ़र्क क्या है? फतेहउल्लाह गोलन साहब पापाइयत का जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि यहूदियों से भी बात करनी चाहिए, कि पहले किताब से बात करने के आए हैं। पाकिस्तान में भी एक ऐसा नमूना मौजूद है। देखें सबसे पहले कि आप जब जहाँ की सियासत पर आप अपने साथ कायम करना चाहते हैं ना, पहले मैदान में निकलना पड़ता है। ये नहीं कि आप अमरीका और कैनेडा में बैठ के उन मुल्कों के अंदर बहरान तारी करें। अगर आपके कुछ हैं ऐसी चीज़ तो आप आए लोगों को फेस करें। जो फेस कर रहा होता है ना उसे पता होता है ये हुकूमत करना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। अपोजिशन करना बहुत आसान काम है। यहाँ आपने एक लीडर ने देखा कि उसे बयान दे दिया कि जी जो मर्जी कह दें कि जी फौज आएगी लोग खुशियां मनाएंगे। हम बात करेंगे हमारे साथ इस्तांबुल से सीनियर सहाफी सरमद सालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हेड ऑफ प्लानिंग है TRT से। सरमद सालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है अब टर्की की? चूंकि अब से कुछ देर पहले कुछ खबरें आई थी कि अंकरा में तुर्क पार्लियामेंट को दोबारा खाली करवाया गया, कोई और भी खतरा है अभी कोई बागी ग्रुप की जानिब से दोबारा हमले का? देखें अभी तो पिछला पस मंजर तो आपके इल्म में है, सब कुछ मीडिया पे आता रहा है, लेकिन अभी जो है जो तो आज के चंद अहम वाकयात हुए हैं, हुकूमत का तो कहना यह है कि जी अभी सूरत हाल जो है काफी हद तक उनके काबू में है, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का खदशा है कि बहुत सारे फौजी अभी लापता हैं और शायद किसी जगह पे वो कार्रवाई कर सके। सदर अर्दोगान ने भी और वजीर आजम गिल्दरन ने भी आवाम से दरख्वास्त की थी कि वो सड़कों पर मौजूद रहें मजीद एक हफ्ते तक। आज जो अहम इकदाम किए गए हैं उसके मुताबिक उन्होंने जहाँ पे अर्दोगान साहब ने और वजीर आजम ने आज काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम ने कहा कि हम शायद गौर करें फांसी की सजा बहालने पर, क्योंकि तुर्की में मौत की सजा बहाल करने पर, क्योंकि तुर्की में मौत की सजा पर पाबंदी है। बिल्कुल सही। जो सबसे जो अहम फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी दी गई है, उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और जो मुल्क बाहर सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें जल्द अज जल्द तुर्की वापस आने की हदायत की गई है। इससे एक और दूसरा अहम इकदाम जो आज किया गया है कि 27 जनरल जिनमें बैरिजा के एडमिरल भी शामिल हैं उनके साथ साथ तुर्की फजाइया के सरबराह की बाकायदा हिरासत के लिए अदालत से रजू कर लिया गया है। ये पहले ही उनकी तहवील में थे लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी कर रिया अदालत से रजू कर लिया गया है। तो अभी मुकम्मल तौर पर हाल काबू में शायद नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। अभी भी खदशात हैं। ठीक है सरमद सालिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जनरल रिटायर्ड जावेद साहब, ये बताइएगा
कि अगर सूरत हाल को दोबारा ख़राब होती है तो क्या ये तवक्को रखी जाए कि दोबारा आवाम आएंगे, मतलब चूंकि अभी सूरत हाल उस तरह नहीं कहा जा सकता कि कंट्रोल में है, और अगर कोई बैरूनी कुव्वतें फिर पीछे हैं इस तमाम साजिश के तो वो दोबारा मुतहरिक हो सकती हैं, आपको लग रहा है कि सूरत हाल दोबारा ख़राब होगी और इसी तरह आवाम निकल सकते हैं? जी, एक तो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस अप्रॉक्सी स्पेक्ट्रम उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया पार्लियामेंट में बिन अली के साथ, आपने देखा था विजुअल्स देखे हुए। मुझे जो खदशा वो इस बात का जो आपने खुद इंडिकेट किया है कि या उन्होंने भी किया है कि बहुत सारे फौजी अभी तक अनअकाउंटेड, बिल्कुल ऐसे ये जो फौज के अंदर शिकस्त और रेख्त है इसकी कितनी डीप है या किस हाई लेवल तक है इसको डिटरमिन नहीं किया जा सका। अभी शर्मा साहब जो कह रहे थे, मेरे शायद वो इसका इशारा कर रहे थे, एक सबका एयरफोर्स चीफ है, ही इज़ नॉट द प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ। अभी हुआ ये है कि जो मिलिट्री हायरार्की है वो तो टोटली लॉयल है टू द सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो ब्रेक अवे ग्रुप है उसकी डायमेंशन वाजे नहीं है कि उनकी एफिलिएशन क्या है, वो कमलिस्ट हैं क्या, वो गोलन के साथी हैं क्या, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनका एम क्या था, सीजर ऑफ गवर्नमेंट था, अगर सीजर ऑफ गवर्नमेंट था, अगर वो नाकाम हो गए हैं क्या वो सरेंडर कर देंगे या वो कंटिन्यू करेंगे, उनको सपोर्ट कौन करेगा। तुर्की का इशू ये है कि वहाँ कुर्दिस्तान की जो तहरीक है वो पिछले 30-40 साल से बहुत हाइट पे है, बिल्कुल ठीक। तुर्की का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ दाइश को उन्होंने प्ले किया कुर्दों के ख़िलाफ़, अभी दाइश भी उनके ख़िलाफ़ है, तो तुर्की के अंदर बहुत सी डिविसिव फोर्सेस हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस बात जो मैंने आपने की ना, जो अनहिंजिंग एलिमेंट है वो आर्म फोर्सेस के अंदर जो शिकस्त और रेख्त वो है, बिल्कुल सही। कि अभी कितने लोग, अच्छा एयरफोर्स कंट्रोल्ड है, जहाज़ों के ऊपर इनका कंट्रोल आ गया, इंजन लेग को बंद किया था, इंजन लेग को फिर शुरू कर दिया इन्होंने, इसका मतलब है कि अभी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल सही। इमीडिएटली आई डोंट सी कि दोबारा को कू होगा, इमीडिएटली मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन होगी, तुर्क अवाम और तुर्क सियासी हुकूमत और तुर्की की जो हायरार्की है मिलिट्री की, दे विल बी एबल टू कंट्रोल दी अफेयर्स। लेकिन अगर उर्दवान साहब ने प्रोसिक्यूशन का एक सिलसिला शुरू कर दिया तो डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्यों नहीं होगा? चूंकि सरमद सालिक साहब ने जो बात की है कि फांसी का जो वो अमल है वो दोबारा शुरू किया जाए, वो सलमान गनी साहब से जानूंगा, लेकिन कल जो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा कि अगर पाकिस्तान में फौज आ जाए तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, तो क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि लोग मिठाइयाँ बांटेंगे? जाना चाहिए साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है एक सियासतदान की हैसियत से, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। बेशक आपके 10 इख्तलाफात हैं नवाज शरीफ साहब से, आज नवाज शरीफ साहब इकतदार में हैं, कल नहीं होंगे, कल आप होंगे, लेकिन ये कहना कि पीटीआई अगर इस वक्त इकतदार का हिस्सा है, के गवर्नमेंट में वो हैं, अगर मैं कल कहूँ कि जी फौज आए और उनको मैं इन्वाइट करूँ और ये इशारा भी दूँ कि खुदा न खास्ता मैं कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे ख्याल में एक मैच्योर सियासतदान के लिए ये नहीं कहना चाहिए। हमारे तमाम मेरे ख्याल में तो आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग जो हैं मैच्योर हैं, तमाम हमारे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया वो मीडिया और जो हमारी सोसाइटी है वो उनको मालूम है कि पाकिस्तान के मसाइल खून नहीं है, फौजी इकतदार नहीं है, वरना अगर होते तो हमने माजी में भी तजर्बे किए हैं इस पर। तो मेरे ख्याल में इस बहस को रिविजिट करना, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को और आगे ले जाने के कॉज को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसा डिबेट है जो बंद हो चुका है। हाँ, आप सियासदानों पर तंकीद करें, इस हुकूमत पे करें, 10 दफा करें, गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को यह जेब नहीं देता, वो खुद एक सियासतदान है, इस मुल्क में हमने तख्त तजर्बे किए हैं जो जिसकी वजह से हम आधा मुल्क खो चुके हैं, जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी देख चुके हैं, सिंध में जो हालात हमने रहे, तो वो एक ऐसा जमाना था जो एक पुराने वॉन्ड्स हैं उसको हमें रिविजिट नहीं करना है, जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सेसरबेट नहीं करना है, यह हमारे कौमी मुफाद में नहीं है। 10 इख्तलाफात हैं हमारे इस हुकूमत से और इस तर्ज हुकमरानी से, लेकिन इसको हमने आगे ले जाना है। अगर इस हुकूमत का हमें ये हुकूमत हमें पसंद नहीं या नवाज शरीफ साहब मुझे हमें पसंद नहीं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ आप वोट डाल लें। और आपने बात की कि उस रात जो अमेरिका का बयान था, तो बगावत में जो इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट थे उनकी रीफिलिंग भी तो उसी एयरबेस से की गई जो अमरीका की हदूद में है और अमरीका के कब्जे में है, तो एक ये भी बड़ा अहम नुकता जो तुर्क हुकूमत उठा रही है। साथ ही साथ जो सरमद सालिक साहब ने बात की कि जो बागियों की सजाए मौत है अगर वो बहाल कर दी जाती है तो उससे कोई फर्क नजर आएगा आपको, क्या समझते हैं आप? पहले तो आपने जिससे एयरबेस का जिक्र किया है वो सीज हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, और जहां तक के वो सजाए मौत की बहाली की, जिस सूरत हाल से अदगान साहब दो चार हैं, देखे ये एक मुश्किल सूरत हाल है,
और मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई अचानक वाकया नहीं था। अच्छा। पिछले एक अरसे से ये साजिशें चल रही थी। ठीक है ना, मैंने तो आपको एक दो बयानात का हवाला दिया, और खास तौर पे शाम का मामला देखे ना, उन्होंने कहा कि महाजरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दी। फिर आपको याद होगा कि रशिया ने उनकी हदूद में उनका जहाज है, उन्होंने मार गिराया। ये बात दुरुस्त है कि बाद में उन्होंने वहां उसके पायलट के उसके अहले खाना, ठीक है, ये सब कुछ उनके एतमाद का इजहार था। अब जो कि वो अगर ये सजाए मौत को बहाली कर रहे हैं, ये इसलिए होता है कि उन्होंने मामला को अपनी गिरफ्त में लेना है, उन्होंने एक एतमाद का इजहार करना है। कौन कौन से लोग हैं, सबसे अहम मरला ये होगा, ये मामला अभी खुला नहीं है, ये मामला अभी खुलना है, इसकी तहकीकात होनी है, कमीशन बनाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। देखें पाकिस्तानी फौज एक डिसिप्लिन फौज है, और वहां पर जो सूरत तारी हुई, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, वहां का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को किसने सिग्नल दिया, क्या तैयारियां थी, और मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। और अहम बात यह है कि वहां की फौजी क्यादत भी अपनी इलेक्टेड लीडरशिप के साथ है, वहां के लोग भी उनके साथ, पूरी फौज इस बात में शामिल नहीं थी ना। अब जो बात है, ये मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, इसलिए कि जब मैं कह रहा हूं कि जी ये आलमी साजिश हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक मुल्क जहां पर जमहूरियत डिलीवर कर रही है, ये इसका रोल बनना है मशरक वुस्ता के अंदर अफगान का, और उन्हें पहले से खबर है कि अगर मुस्लिम ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी का ये नमूना सामने आ गया तो ये फिर मामला आगे चलना है। और जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मकबूजा आबादी के अंदर इंसानी हकूक की जितनी बदतरीन पाबंदी कर रहे हैं, ये आइडियल जमहूरियत थी जिसने डिलीवर किया है। मैं नहीं समझता कि वहां अर्दगान साहब की सारी पॉलिसीज ठीक थी, लेकिन उसका हाथ लोगों की नब्ज पे था। अगर पाकिस्तान होता, देखें हमारे सामने बहुत कुछ होता रहा है, हमने देखते रहे, सियासतदान जुरत नहीं करता। जब उसने पहला पाँव बाहर निकाला था, मुझे उसी वक्त पता था लोग बाहर निकलेंगे, और बाहर पाँव वही निकाला करता है जिसका हाथ लोगों की नब्ज पे होता है। बिल्कुल सही है, उनका हाथ लोगों की नब्ज पे था, लोग बाहर निकले हैं, और टैंकों के सामने ऐसे लोग नहीं लेटते। ये एक जज्बा होता है, ये एक वलवला होता है, और ये जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट का इजहार है, यही असल एसेट है। चूंकि सरमद सालिक साहब इस्तांबुल में मौजूद हैं, और जो जज्बा इन्होंने वहां से करीब देखा होगा, शायद वो हम ना देख सकें, तो सरमद सालिक साहब एक तो ये बताइएगा कि क्या जज्बा था लोगों का, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वहां के जो आम शहरी हैं तुर्क अवाम, वो क्या इजहार ख्याल करें सारे वाक्य पर, चूंकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बाज लोग कह रहे हैं कि अमरीका इसके पीछे है, और बाज लोगों का ये मुतालबा है सजाए मौत की बहाली की जाए, तो वहां के आम अवाम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आप जरा इस बात को समझने की जरूरत है कि 27 के हिरासत के लिए जनरलों के लिए उन्होंने अदालत से रजू किया, 50 जो हैं उनकी तहवील में है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अभी ये फेसलेस कू है, बाहर तो फतेहुल्लाह गोलन की बात की जाती है, यहाँ पे अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि वो कौन लोग थे जिनको जिनकी क्यादत कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के हवाले से यकीनी तौर पर यह बात की गई है, और इंडिरेक्ट जो है एयरबेस के जो है बंद करने की सील करने की जो बात हुई थी, वहां के जो बेस कमांडर जनरल को उनको भी जो है हिरासत में ले लिया गया, और कहा जाता है कि जी कि उन्होंने बकायदा वहां पे अमरीकी हुकाम से पनाह की दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने यकीनी तौर पर कबूल नहीं की और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो ये है कि तुर्की हुकूमत जो है वो अमरीकी हुकाम से ज्यादा पुरजोर मजम्मत का एक्सपेक्ट कर रही थी, जो नहीं आई व्हाइट हाउस की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। दूसरी बात यह है कि गोलन के हवाले से, उनके अवालगी के हवाले से बकायदा तौर पर यहाँ पर बात हो रही है, और वो जो कू से एक दिन पहले यहाँ के प्रोसिक्यूटर जनरल ने, जिस तरह के हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं, उस प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से वजारत इंसाफ को बकायदा एक खबरी भेजी गई जिसमें कुछ शवाहद पेश किए गए कि अब बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकाम से फतेहुल्लाह गोलन की वापसी की हवालगी के हवाले से बात की जाए। ये कू से एक दिन पहले की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे उस रात जज्बात कितनी था, ये बुनियादी तौर पर तुर्की अवाम की फतह थी, जमहूरियत की फतह थी, और उन्होंने जिस जज्बे के तहत हमारे यहाँ पे, हमने खुद देखा यहाँ पे कि वो फौजियों के सामने आ गए, यहाँ पे उन्होंने टैंकों के सामने लेट गए, बॉस्फोरस ब्रिज को उन्होंने अवाम ने और पुलिस ने मिलकर उसे पे कब्जा उनका खत्म किया, और सबसे बड़ी बात उनका जज्बा यहाँ देखें कि हमारे टीआरटी वर्ल्ड में हो गया था, और यहाँ पे जो तुर्क हमारे साथी काम करते हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस के सामने आ गए, और उन्होंने कहा कि जी के जो बागी टोला था
कि जो कुछ करना है हमारे साथ करो, इनके साथ हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये जज्बा था पाकिस्तानियों के साथ भी, और ये जाहिर है कि मोहब्बत और जज्बा और जो है वो अर्दोगान के लिए और जमहूरियत के लिए भी था। बिल्कुल ठीक है सरमद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं छोटे सतह पे इस्तेमाल हुए, बहुत सारों को जहादी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अक्सरियत को वहां से जाने की इजाजत दे दी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स कैरी आउट कर रहे थे। ये छोटे लेवल के नौजवान सोल्जर्स हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होने की। तो सालिक साहब, चूंकि फौज के एक बागी ग्रुप ने ये सारी साजिश की, तो फौज की जो हाई कमांड है उनका कोई स्टेटमेंट, उनका कोई बयान सामने आया, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? जो फौज की हाई कमांड है, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ ही, उर्दवान हुकूमत के साथ ही, वो इस बागी ग्रुप में शामिल नहीं थी, उनका क्या स्टेटमेंट है? देखिए, मैं किया कि मैं बात कर रहा हूँ 50 जर्नल, 50 बरी बहरी फजाइया के 50 जर्नल, ये बहुत बड़ी तादाद होती है, ये क्रीम है अफवाज की। बिल्कुल सही। उनको जो है तहवील में ले लिया गया, और जो सूरत हाल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो उनके वफादार हैं सदर अर्दोगान के, वो बकायदा हॉस्टेज रहे बागी ग्रुप के पास, और उन्हें 24 घंटे के बाद या कुछ बाजियाब करा लिया गया। अब वो इस दौरान जो है गैर यकीन सूरत हाल की वजह से एक कायम मकाम आर्मी चीफ भी लेकिन उनकी बातचीत के बाद जो पुराने आर्मी चीफ थे वही इस वक्त आर्मी फौज की क्यादत पर है। बिल्कुल सही। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बयान नहीं आया। जो अभी मौजूद हैं वो उनके वफादार हैं, और जिनके खिलाफ मजीद कुछ कार्रवाई हो रही है, तहकीकत हो रही है, वहां पे फजाइया के जो अकेडमी है वो भी उस पर भी तहकीकत हो रही है, बहुत सारे इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी मौजूद नहीं है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया तो बहुत सारे फौजियों का अभी लापता है, उनका इल्म नहीं कि वो किस के साथ है, वो गोरन के फतेह गोरन के साथ है या तुर्की हुकूमत के साथ है। तो बिल्कुल ठीक है सरमद सालिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जनरल साहब, जो सरमद सालिक साहब ने बात की वही शिकस्त वाली बात आती है, अभी कई फौजी जो हैं वो लापता हैं, ये मालूम नहीं कि वो फतेहुल्लाह गोलन के साथ हैं या उर्दवान हुकूमत के साथ हैं, तो मुस्तकबिल में प्रॉब्लम तो होगी जाहिर है कि ये सारे सिनेरियो को रिकवर करते हुए। तो आपको लग रहा है कि दोबारा कोई मसला वगैरह, फिर वो उसी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि दोबारा कोई प्रॉब्लम हो सकती है उर्दवान हुकूमत को? देखिए जी, एक एस्पेक्ट जब हम आवाम की बात करते हैं कि सड़कों पर आ गए, तो उसकी बुनियादी वजह थी उर्दवान इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आ चुके थे। बिल्कुल सही। अगर वो दवान अपनी वहाँ रिजॉर्ट से निकल जाते यूके की तरफ या किसी और कंट्री में, वहाँ से आके कॉल देते, नोबडी वुड हैव कम। पॉइंट इज कि लीडरशिप कर दिया था कि साइलम ले लिया, राइट, लीडरशिप जब आ गई तो देन ही सेड कि मैं खड़ा हूँ, मैं खतरात के पेश नजर भी उसको लापरवाह करते हुए अपनी जान की, हालांकि वॉज फेयरली सेफ, ही लैंडेड सेफली, एयरपोर्ट उस वक्त इनके हमायतियों के कब्जे में थी, लेकिन इससे करेज, एक लीडर की करेज का इंडिकेटर है, जब लीडर फील्ड में आता है तो आवाम सैकड़ों की हजारों की तादाद में आए और फिर बढ़ते गए जब कू का फैसला हो गया था। इशू अभी दूसरा है, इशू ये है कि क्या उर्दवान साहब इस कू को इस्तेमाल करते हुए फौज के अंदर से और सोसाइटी के जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, अगर गोलन के जो सिंपथाइजर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी अगर ये उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इट इज टू अर्ली। मैं समझता हूँ कि उर्दवान साहब शुड हैव गॉन क्वाइट, हालात को कंट्रोल करते, थोड़ा सा लगता कि डिलिबरेट कुछ काम कर रहे हैं, अभी लग रहा है ही इज इन हरी, ये 6000 पकड़ लिए, 2500 पकड़ लिए, इनकी लिस्टें बाय द वे पहले की बनी हुई थी। बिल्कुल, ये लिस्टें पहले की बनी है कि हु इज लॉयल टू होम। बिल्कुल ठीक है। और पहले से भी इनकी शुरू हो गई थी ततहीर। Now he's cleansing, he started the cleansing too soon. That will be unsettling. बिल्कुल सही। Politically उनको stroke support है, लेकिन military अभी तक unsettled है। बिल्कुल He should have waited. He should wait. जब तक 10-15 दिन गुजर नहीं जाते, पकड़ दकड़ बंद करें। इसका नुकसान हो सकता है उर्दवान साहब। Military hierarchy को अपना control re-establish करने दें। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तुर्की आर्मी को काफी करीब से जानता हूं। बिल्कुल ठीक है। हमने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस किए हैं, 2-3 महीने तुर्की में अटेंड किए, इधर भी अटेंड किए, इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, हर साल होता है। तुर्क अफवाज जो हैं दे वर वेरी कोहेसिव, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये एक तुर्की के अंदर फौज के अंदर फैक्शन नहीं है, ये गोलन का डेफिनेटली सिंपथेटिक टोला है। अच्छा। गोलन का असरो नफूज है। बिल्कुल सही। इट्स नॉट अ मिलिट्री कू विद इन द मिलिट्री, नो, इट इज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड कू,
और उस ये सिर्फ फौज में नहीं है, मैंने कहा ना ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, हर जगह पर ना, मेरा सिर्फ एतराज जो है इसके पीछे आप फर्दे वाहिद गोलन को समझ रहे हैं कि आप उनका जो है वो नो, गोलन इज द टूल, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने उसका अपने पास 400 एकड़ के एक रैंच पे क्यों रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से बढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि वो अमरीका की बात आ गई है और तुर्क हुकूमत ने अमरीका से ये मुतालबा भी किया है कि फतेहउल्लाह गोलन साहब को हमारे हवाले करें, तो इस सारे मंजरनामे के बाद अमरीका और जो तुर्की के ताल्लुकात हैं वो भी बड़े कशीदा हो गए हैं, वो मुस्तकबिल में क्या बनने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जन साहब, आप बात कर रहे थे कि फतेहउल्लाह गोलन के ज़ाहिर असर रसूख हैं, तो फर्द वाहिद को नहीं समझते आप, वो टूल है एक। जी, इस तरह के टूल पूरे यूरोप में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। आई डोंट वॉन्ट टू कोट यू एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, जितने भी इस्लामिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सारे के सारे रिफ्यूज कहाँ लेते हैं, यूरोप में, बिल्कुल ठीक है। सीरिया के अंदर जब ये अख्वानुल मुस्लिमीन जो थे, अख्वान को जब निकाला गया 70s में, पनाह कहाँ मिली, जर्मनी में, बिल्कुल ठीक। द ब्लाइंड जो इमाम थे यासीन कहाँ थे, USA में। बाकी और भी मसाले हैं, हमारे एक और बुजुर्ग थे वो फ्रांस में बैठे हुए थे, बिल्कुल ठीक है। सो हाउ कम कि एक तरफ आप इस्लामोफोबिया है, दूसरी तरफ आप उनको लेके बैठे हुए हैं। तो ये मैंने कहीं लिखा था और आज भी कह रहा हूँ, वर्ल्ड पावर, जो सुपर वर्ल्ड पावर, अभी ग्रेट पावर कह सकते हैं आप, दे आर प्लेइंग अ सॉलिटेयर, ये एक ताश का एक गेम होती है जिसमें एक बंदा खुद ही खेल रहा होता है, तो सारे पत्ते उनके हाथ में हैं और वो उनको फेंक रहा है, कभी एक को करता है, कभी ये बात, ये कितनी खौफनाक बात हो सकती है सलमान गनी साहब, चूंकि आम शहरी भी जो है अब तुर्की में वो कह रहा है कि अमरीका जो है वो इस सारी साजिश के पीछे है, और तुर्क हुकूमत भी कह रही है, तो जो ताल्लुकात हैं दोनों हुकूमतों के वो कैसे अब आप देख रहे हैं? देखें, बात जो जनरल साहब ने जहाँ पे ख़त्म की है, पहले तो उस माइंडसेट को हम तलाश करें कि जो मुस्लिम ममालिक के अंदर डिवीजन पैदा करता है, बिल्कुल सही, कि ये जो दहशतगर्दी का फिनोमेना है ये कहाँ से आया, और जहन हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ, किसने कहा था 2011 के वाकयात के बाद हमारी फजाएं और हवाएं किसने इस्तेमाल की, किसके खिलाफ की, फंस हम गए और शिकस्त खा के खुद यहाँ से चला गया, जाते हुए अपनी शिकस्त का मलबा भी हम पे फेंक गया, वो जो बीज लगाए हुए थे वो तनावर दरख्त बन गए, और आज हमारी फौज और कौम और हुकूमत को मिलके काटने पड़ने हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बातें खुल के करनी चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए, कि डिवीजन पैदा करता है ये सुन्नी शिया की तफरीक भी अमरीकन एजेंडा है, ये खुदा, ये पाकिस्तान में भी पैदा करने की कोशिश की थी, ये क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को है कि ये डिवीजन नहीं हुई, और उसके बाद आप देखें सऊदी अरब और ईरान को लड़वाया गया, मैं समझता हूँ एक क्रेडिट पाकिस्तान के सिपा सलार और पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, दोनों मिलकर सऊदी अरब भी गए और ईरान भी गए, और उन्हें बताया कि ये क्या है, नाम नहीं लिया, बता दिया कि क्या होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा अपना भी एक एजेंडा होना चाहिए, ये जो हम OIC बना के बैठे हुए हैं ना, ये भी उधर देखती थी, और हमारे यहाँ भी यही होता रहा है ना कि पावर आवाम से लेते हैं, देखते वाशिंगटन की तरफ है, और फिर क्या होता है, आज जनरल मुशर्रफ साहब का क्या हाल है, एक वक्त था कि बुश साहब कहते थे कि हम पाकिस्तान को उनके अंदर से देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सबक लेने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि तुर्की के लोगों ने अपनी लीडरशिप के साथ वफा की है, ये जो मोहब्बत और नफरत होती है ना, ये एक तरफा नहीं होती, तो हो नहीं सकता कि मुझे आपसे मोहब्बत और आपको मेरे से नफरत, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ असल पावर जो है अफगान की, वो लोगों की ताकत है जो उसके पीछे खड़ी है। अभी देखें ये बात दुरुस्त जन साहब ने भी की है और सरबत साहब ने भी की है कि ये सारी सूरत हाल के अंदर उन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखें इसमें माइंडसेट कोई और होता है, और आप अगर पकड़ पकड़ के लोग निकालना शुरू कर देंगे, और उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो ऐलानात कर रहे हैं ना आप, ये सूरत हाल मैं बताओ जल्दी से देखता हूँ, ये ऐलानात उन्हें करने पड़ेंगे, इसलिए कि उन्हें सूरत हाल को कंट्रोल करना है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, वहां पर एक पार्लियामेंट नामी चीज भी है, बिल्कुल ठीक है, और वहां की सबसे जो पॉजिटिव चीज है, जहां पर लोग हैं वहां की सियासी कुवतें जिम्मेदार हैं, बिल्कुल तो साथ खड़ी हुई हैं, यही पावर है। ओपोजिशन जमातों ने अपने लोगों को कहा कि बाहर निकले। सरमा सालिक साहब, आप वहां पे करीब से देख रहे हैं सारा मामला, आप भी ये समझ रहे हैं कि ज्यादा तेज चल रहे हैं उर्दवान साहब इस वाकये के बाद, एक पार्लियामेंट है, सियासी जमाते हैं, उनको किसी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए एक बात तो ये है कि आम जब सड़कों पे आ गई, उन्होंने नारे किए बागियों के, नारेबाजी की काफी, बागियों के खिलाफ, तो उस हवाले से वो बहुत सारे इकदाम की तवक्को कर रहे थे। अभी बहुत सारे सियासी बयानात हैं, बाकायदा तौर पर जो फैसले हैं उन्होंने यही कहा है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज वजीर आजम ने ये बाकायदा कहा है कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी किसी फैसले में, और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें उस पर हवाले से फैसले किए जाएंगे।
अमेरिका के हवाले से देखें, तुर्की अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुर्की हुकाम यहाँ पे असर पाया जाता है कि अमेरिका यहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करता है, वो उससे बेहतर रवैये की और बेहतर रिस्पॉन्स की तो कर रहे थे। अब वहाँ पे दूसरे एक अहम बात जो पहले हम कर रहे थे, आज और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी 16 तारीख को भी कहा, फिर वजीर मेरा ख्याल है कोई रबता मुनकता हुआ है सरमद सालिक साहब के साथ, उनकी लाइन में डिस्टॉर्शन थी। जाना शेख दही साहब, पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सारे मामले से क्या अखज़ किया, चूँकि जब से ये वाक़या हुआ पाकिस्तान में भी एक नई बहस का आगाज़ हुआ है, तो हुकूमत इस सारे मामले को कैसा देख रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें ये सीखना चाहिए जिस तरह तुर्की के लोगों ने सीखा है कि जमहूरी हुकूमतों के मसाइल का मदावा फौजी हुकूमत नहीं हो सकती। बेशक उसको आप जो है कितना भी दावत दें, ये एक तजर्बा है जो हमें सीखना है। दूसरी अहम बात ये कि गवर्नेंस के चैलेंजेस बिल्कुल हमारे हैं, हमने इस पर फोकस करना है। अगर जो डेफिसिट्स हैं, खसारे हैं, वो अभी तक हम उस पर फोकस नहीं कर पाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों के साथ जिस तरह उस्मान गनी साहब ने कहा कि ये टू वे प्रोसेस है, उनकी आपकी के साथ मोहब्बत और आपकी लोगों के साथ मोहब्बत, ये उस वक्त आएगी जब हम डिलीवर करेंगे, और अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका सिमत यही है। लेकिन हमें जो है पाकिस्तान का तजर्बे को देखते हुए हमें मौका देना चाहिए सियासी हुकूमतों को, सिर्फ ये कहना कि चूंकि वो इस मखसूस पीरियड में तमाम मसायल हल करने में नाकाम रहे, शायद उसका कोई अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव उसका कोई नहीं है, क्योंकि चर्चिल का कहना है कि जमहूरियत बेशक अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद अभी तक इसके मुकाबले में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जिसको आप रिप्लेस कर सकें। हाँ, आप अपोजिशन मीडिया के हिसाब से अपोजिशन दूसरी पार्टियाँ इसी हुकूमतों पर आप प्रेशर डालें, और अगर कोई प्रॉब्लम है और हम नाकाम होते हैं तो वोट के जरिए इन्हें बाहर भेज दें। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिविल वॉर की तरफ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन क्विक फिक्स की जाने फिर जाना ये कहना कि शायद चूंकि ये नाकाम हो गए, हमें जो है कोई और जो है आके रेस्क्यू करेगा, वो हमारी जो तारीख है उसको कंट्राडिक्ट करता है, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको कंट्राडिक्ट करता है। मेरे ख्याल में ये सबक हमने तुर्की से सीखना है और इसको आगे बढ़ना है। जो लोग कह रहे हैं कि चूंकि तुर्की ने जो है वो उर्दवान का साथ दिया है, जो मेरी थीसिस में उर्दवान का साथ नहीं दिया बल्कि जमहूरियत का साथ दिया, तो सलमान हमें ये सबक उनसे भी लेना है या हमारे हुक्मरानों को इस सारे मामले से क्या अखज़ करना चाहिए? तो जान साहब ने कहा कि लोगों को इसमें तजर्बा, मेरे ख्याल हुकूमत को तजर्बा लेना चाहिए। बिल्कुल, लोग तो हमेशा वो जो बैलेट पेपर जाके सियासी क़यादत के पलड़े में डाल देते हैं, अब जिम्मेदारी तो उनकी है। पाकिस्तान में जैन जमहूरियत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही, मैं वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोगों ने जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट इन पार्टीज को जिनकी लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर थी, बिल्कुल सही है कि वो कुव्वत दी, इनको यहाँ लाए, इनको इख्तदार पे बैठाया, और पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत के सम्राट नहीं मिल रहे, मिलने चाहिए। इनकी आंखें जश्न ना मनाएं, आंखें खोलें, अपनी अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। और पाकिस्तान में तो तजर्बा भी बड़ा मुख्तलिफ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमतों के अंदर मौजूद है, अपोजिशन पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम है। बिल्कुल ठीक है, सरमा सालिक साहब ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है। सरमा साहब, अब वहां पर क्या सिचुएशन है? अवाम उसी तरह सड़कों पर मौजूद है, चूंकि हुकूमत ने कहा कि एक हफ्ते तक अवाम बाहर रहे, अब सूरत हाल क्या है ऑन ग्राउंड? अवाम उतनी ही तादाद में बाहर हैं या कम हुए हैं? नहीं नहीं, अवाम तो उन्हें जो है जितनी बड़ी तादाद में वो जीतेंगे, यहाँ पे इस्तांबुल में काफी मकबूलियत है। और मकबूलियतान की बात हुई तो उसमें दो बातें बहुत आम है, ठीक है। अर्दोगान हुकूमत ने पिछले 13-14 साल में उनकी पार्टी की हुकूमत ने अवाम को खुशहाल किया है, यहाँ पे मतबस तबके को खुशहाल किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, जितने क्राइसिस हुए हैं, जितने बहरान हुए हैं, वो अवाम में के बीच में रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा कू करने की कोशिश की गई, और अर्दोगान जो है वो जामिया फातिह में 5 जांबाज होने वाले अफराद की नमाज जनाजा खुद पढ़ने आए। बिल्कुल सही। और ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस तरह की हाल का। अवाम यहाँ पे यकीनी तौर पर उनमें मकबूल है, सदर अर्दोगान भी, और जमहूरियत के हक में है, और वो जितनी कॉल दी जाएगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे और सड़कों पे रहेंगे। तादाद जो है वो बड़े कम या ज्यादा जो है वो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सड़कों पे दौड़ के वहाँ बड़े तादाद में मौजूद है। अपल जिंदगी, मामूल की जिंदगी जो है वो चल रही है। यहाँ पे उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी है, यहाँ बसों पे, ट्रेनों पे कोई उनसे जो है उनके किराया वसूल नहीं किया जा रहा। तो ये आवाम का और हुकूमत के दरमियान जो बॉन्ड है वो इसमें ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। जो पाकिस्तान के हवाले से कुरान को देखने की जरूरत है कि वो बुरानों में राय फरार मत इख्तियार करें,
वो अवाम के साथ खड़े रहें और उनके ऐसे इकदाम ये किए जाएं जिसमें अवाम की खुशहाली मुमकिन हो सके। बिल्कुल ठीक है सरमा सालिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट सर, मैं जब वो तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी एक हमख्याल जमात के सरबराह को एक मशवरा दिया था। अच्छा। कि फौज से ना उलझें, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करें, जमहूरियत मजबूत होगी तो आप आएंगे, लोग आप पे इत्मीनान। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, तुर्क जब से ये नाकाम बगावत हुई है, पाक फौज क्यों जेर बहस आ गई? कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि नाकाम बगावत के बाद पाक फौज को जेर बहस लाना मुनासिब रवैया नहीं है। क्यों पाक फौज क्यों जेर बहस आ रही है? ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब पहले कुछ और फरमा चुके हैं। बिल्कुल सही, इनिशिएट उन्होंने किया है और फिर औरों ने भी उसको उठाया है। मेरा ख्याल इसमें हमारे लिए कोई लेसन नहीं है, वी आर टुगेदर, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, और मैं समझता हूँ बड़ी पॉलिटिकल सकेसिटी है, मैच्योरिटी है, सिस्टम की मैच्योरिटी है। बातें बहुत सारी आप कर सकते हैं, इधर से ये इख्तलाफ है तो ये नुवेंसेज हैं। फंडामेंटली आर्म फोर्सेस और द पॉलिटिकल फोर्सेस नेशनल इश्यूज के ऊपर यकसू हैं, APCs होती हैं, जरबेज उसकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक एग्जाम्पल है। और ये हमें कहना कि हमने क्या सबक सीखना है, हमने एक सबक सीखना है जो आपने बार बार कहा, मेरे साथियों ने भी कहा, देखिए एक फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है, खा फौजी हुकूमत हो खा सियासी हुकूमत हो, मुल्क चलाती है ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल सही, ना वो उनसे डिलीवर करा सकते हैं ना ये उनसे डिलीवर करा सकते हैं, तो पॉलिटिकल वेल क्रिएट करें, लीडरशिप की एक स्ट्रेंथ क्रिएट करें एंड मेक योर सिस्टम्स मूव, मेक योर ब्यूरोक्रेसी डिलीवर। गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी के जरिए कराई जाती है, पॉलिटिकल फोर्सेस आर कनेक्टेड विद द पीपल, वो पॉलिसीज की लेवल तक और लोगों से कनेक्ट होने के लेवल तक रेलेवेंट है, लेकिन गवर्नेंस जो है वो वीक क्यों है? इसलिए कि आप ना टैक्स लगाते हो, ना आपने ताजरों पर टैक्स लगाना है, ना आपने फलां काम करना है, ना आपने वेलफेयर करनी है, आपने अपने मंसूबे मर्जी से बनाने हैं। अगर आज से आप सारी पॉलिसी का महवर एक कॉमन मैन को बना दें तो यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्दोगान। बिल्कुल ठीक है जाना चाहिए साहब, वेरी गुड। मैं कहूंगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को खराब करना या उन्हें एग्जासरबेट करना, ये हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों की कर रहे हैं। कॉर्डियल रिलेशंस हैं, आप तमाम चैलेंजेस, आप अपने वफाकी वज़रा को भी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, देखिए जिस तनाजुर में दिया है, मेरे ख्याल में तनाजुर यही है कि यहाँ पे एक बहस निकली है। कुछ लोग चाहते हैं, जो माइंड सेट है कि खुदा ना खास्ता जमहूरियत जो है इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं है, वो एक खास कुलाफ थॉट है जो इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ है। अब उनको चैलेंज करना है कि हमने इसको सिविल मिलिट्री तनाजा नहीं बनाना है, हम आगे आ चुके हैं, हमने तारीख से सबक सीखा है, चैलेंजेस हम सब के सामने, इस मुल्क के मसाइल हम अकेले, कोई भी पार्टी हल नहीं कर सकती, कोई इंस्टीट्यूशन अकेला हल नहीं कर सकता। सलमान गनी साहब वेरी क्विकली, एक तो पाक फौज को क्यों जेरे बहस लाया जा रहा है और दूसरी जानब उर्दवान हुकूमत की अगर बात करें तो सारे मामले से उर्दवान साहब कमजोर हुए हैं या वो ज्यादा पावरफुल हुए हैं? पाक फौज तो इसलिए जेर बहस है कि वो पाक फौज है। बिल्कुल सही, और उसने ज़रब अज़ब के नतीजे में उनकी मकबूलियत बढ़ी है, लेकिन जमहूरियत का मतबादल ये नहीं कि जमहूरियत अगर कमज़ोर पड़ी है तो आमरियत है। पाकिस्तान के लोग कभी आमरियत के साथ नहीं खड़े हुए, जमहूरियत की वजह से ये मुल्क बने और जमहूरियत के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक आपने अर्दोगान हुकूमत की बात की है कि उसके पीछे जब तक अवाम की तायद और हमायत हासिल है, देखे मैं बताओ जर्नलिस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पर फिर उसके साथ हरकत होगी, इसलिए कि अगर तुर्की के अंदर जमहूरियत कामयाब हो गई तो ये रास्ता मुस्लिम ममालिक की तरफ बढ़ेगा जो अमेरिका के बारे में नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सरमा सालिक साहब ने टेलीफोन लाइन पर हमें इस्तंबुल से ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम पे के इख्तिताम पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आगाज़ में भी बात हुई थी कि तुर्की में अवाम जमहूरियत बचाने निकले हैं, हुकूमत बचाने नहीं, चूँकि वहाँ पर हुक्मरानों ने जमहूरियत को सही सिमत में लेकर गए, इसी वजह से अवाम वहाँ पर बाहर निकले। और फिर हम हमेशा से बात करते हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है, लेकिन जमहूरियत सही सिमत में होनी चाहिए, हुक्मरान अवाम की फलाह के लिए काम करें तो ही अवाम हुक्मरानों को बचाने बाहर आएंगे, और वो तुर्की में भी हमने देखा। जैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।